नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों 2024 के चुनाव में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां केजरीवाल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल जी को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आगे करें। ये जानने से पहले हमको भारत के लोकतंत्र के इतिहास में जाना होगा। उस समय की बात है, सन 1977 की, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी लगाने की वजह से, जबकि वो देश हित का काम था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने काफी पूरे देश में विरोध किया था और उनकी सरकार 1977 के चुनाव में गिर गई थी, और इवन कि वो भी लोकसभा चुनाव हार गई थी। लोकसभा चुनाव हारना, लोकतंत्र में हारना जीतना लगा रहता है, जैसे अभी अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए हैं। लेकिन उसके बाद जो जनता सरकार आई, वो सरकार नहीं चला पाई और बहुत जल्दी चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई थी। अब अपन चलते हैं 1984 में। 1984 में इंदिरा जी जब खत्म हो गई, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद राजीव गांधी पर बहुत सारे आरोप लगा के बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। अब बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने क्या किया, मंडल कमंडल कमीशन लागू कर दिया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। उन्होंने इस तरह से आरक्षण को बढ़ावा दे दिया कि लोगों में गुस्सा आ गया और लोग मरने लगे, गाड़ियां फूंकने लगे, आंदोलन होने लगे, और बीपी सिंह भी सरकार नहीं चला पाए। बीपी सिंह भी सरकार नहीं चला पाए, उनकी सरकार गिर गई। अब देखिए, फिर कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार चलती रही। राजीव गांधी जी नहीं रहे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से फिर चुनाव होते गए, लोग आते जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते रहते हैं, कोई हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता है। परिस्थितियां चेंज हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाकई बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मन से वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने एक बार तो लोकसभा में ये भी कह दिया था कि आज मैं एक वोट भी नहीं खरीदूंगा। इतने ईमानदार थे वो कि उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की, और उन्होंने कहा कि मैं एक वोट खरीदने का प्रयास नहीं करूंगा और मैं अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाकर के अपना इस्तीफा दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आइडियल थे, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, इस तरह के प्रधानमंत्री। राजीव गांधी जी को मैं चूंकि ये नहीं कहूंगा कि वो आइडियल थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से राजनीति नहीं किया था, उन्हें विरासत में प्रधानमंत्री पद मिल गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये देश की जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ए से जेड तक की राजनीति किया था, शुरुआत से लेकर के विपक्ष की भूमिका में रहे, और कभी उन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे, और कभी उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जो उनको वापस लेना पड़े। अब आप देखिए, मनमोहन सिंह जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, सारी पार्टियां एकजुट होकर के समर्थन भी करती रही, विरोध भी करती रही, सब चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोग तरह तरह की बात करने लगे, कहीं मौना प्रधानमंत्री, कहीं फलाना, कहीं धमाका, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी ऐसी होती गई कि मनमोहन सिंह सरकार भी गिर गई। अब आए मोदी जी, मोदी जी ने 5 साल अच्छा चलाया, बढ़िया चलाया, लेकिन अब किसान बिल के बाद लोग ये कहने लगे हैं अब इनका भी यही हाल होगा, जिस तरह से मनमोहन सिंह 10 साल चलाए थे, अब ये नहीं चल पाएंगे। क्योंकि पूरे देश में इस समय भाजपा के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है, खास तौर से किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरह से पूरे देश का किसान उग्र हो गया था और इन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, और जो तीनों इन्होंने निर्णय किए थे, लोकसभा से पारित किए थे, उसको सबको वापस लेने की बात कर रहे हैं। अब देखिए,
यही होता है वजनदार प्रधानमंत्री। इंदिरा जी वजनदार प्रधानमंत्री थी, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, लेकिन उन्होंने नसबंदी का मामला वापस नहीं लिया था। और आज हम दो हमारे दो का नारा अगर इंदिरा जी ने ना दिया होता तो आज हमारे देश की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ जाती। आज हम आप जो बात करते हैं 130 करोड़, ये 300 करोड़ के करीब की जनता हमारे देश में होती और गेहूं और दाने को मोहताज हो जाती। इंदिरा जी की जो नसबंदी का कार्यक्रम था वो पूरे दुनिया में लोग बाग यही कह रहे हैं कि भारत में यदि नसबंदी का कार्यक्रम न किया होता तो आज हमारे देश की जनसंख्या 300 करोड़ पार कर जाती, तब क्या होता। आज देखिए हम दो हमारे दो की बात में अब तो हम दो हमारे एक की बात करने लगे हैं लोग। इसीलिए अब जनसंख्या नियंत्रण हो गई है, खुशहाली भी बढ़ गई है, लेकिन अभी किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हुआ है। अब जिस बात पर मैं था कि केजरीवाल को क्यों आगे किया जा सकता है, देखिए यही होता है जब राजनीति में बहुत दिनों तक शासन कांग्रेस ने भी किया, बहुत दिनों तक शासन अब भाजपा ने भी कर लिया, कई राज्यों में तो 20-20 साल से भाजपा करीब शासन कर रही है, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अभी सरकार गिरा करके फिर से अपनी सरकार बना लिया था। तो अब विरोध जनता का सत्ताधारी दल के खिलाफ हमेशा हो जाता है, लेकिन स्वीकार देश किसको करेगा। स्वीकार करने की स्थिति में न राहुल गांधी हैं और ना लालू प्रसाद यादव हैं, ना मुलायम सिंह यादव हैं, ना जयललिता जी भी हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, कुछ राहुल गांधी के साथ, कुछ ममता दीदी के साथ, ऐसे लोगों का एक समूह अब बनेगा और केजरीवाल को यदि वो आगे करते हैं, चूंकि केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है जिसके साथ ना किसी तरह की जातिवाद है और ना किसी तरह के धर्मवाद का आरोप लगा है अभी तक। किसान मामले में भी किसान उसकी तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा नेता है। क्यों? अब देखिए पिछली बार पंजाब में उनकी सरकार बनते बनते रह गई और इस बार के चुनाव में पंजाब में गवर्नमेंट बनना उनकी तय है, तो दिल्ली पंजाब दो प्रदेश उनके हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक तरह से मैं कांग्रेस का कहूंगा, इसलिए कि अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी बहुमत मिला था और मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, भले आज भाजपा ने किसी तरह से बना लिया हो। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस है, राजस्थान में भी कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में इसके पहले सरकार बनी थी, भले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाद में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। इस बार भी तेजस्वी यादव कुछ ही सीटों से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लोकसभा चुनाव में बिहार उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, उत्तर प्रदेश के किसान काफी नाराज हैं भाजपा से। अब आप देखना अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे, अगर उसमें ये लोग विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा लेते हैं तो अगला लोकसभा चुनाव ये लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, इनमें एकता नहीं बनेगी। एकता ना बनने का कारण है क्योंकि ये बहुत घिसे पिटे नेता हैं, पुराने नेता हैं। बहुत सारे पंडितों ने भी इसकी भविष्यवाणी कर दी है कि आखिरी में केजरीवाल के नेतृत्व में इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और यदि केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल की छवि चूंकि अभी तक साफ सुथरी है, उनकी पार्टी की साफ सुथरी छवि है, तो केजरीवाल के नेतृत्व में उम्मीद है इनको कि हम पूरे देश में लोकसभा की सीटों को जीत करके और अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। तो मुझे यही बताना था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये ऐसा देश है कि यहाँ सरकारें बदलती रहती हैं, किसी का नाम लेने से कि ये ऐसा नहीं होता है। हर 10 साल में, हर 12 साल में, हर 15 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है और यही असली लोकतंत्र है भी। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है कि हम कह दें कि अब जीवन भर के लिए फलाने बन गए, जीवन भर के लिए धमाके बन गए। इस बार चूंकि गणित न्यूज ने एनालिसिस किया है, बहुत सारे राजनीतिक लोगों से पूछा है, तो लोगों ने ऐसा कहा है कि यदि केजरीवाल को ये लोग आगे करते हैं तो इनमें एकता बनेगी और केजरीवाल ही अगला प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से घोषित होगा अगर, तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। और
ये बात दूसरी है कि कितना चलती है इनकी गवर्नमेंट, लेकिन 5 साल तो किसी ना किसी तरह से केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चला भी लेंगे और अच्छे से चला लेंगे, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।